तो अभी मैं, पापा और दादी जा रहे हैं हमारी गुरुदेव के मंदिर पे, और आज वहाँ पर एक फंक्शन टाइप समझ लो हमारा, मतलब कि आज हम माँ आठम बोलते हैं, तो वहाँ पर एक प्रोग्राम जैसा होता है और हम सब जाते हैं, रात को होता है वो, तो अभी सब लोग दर्शन करने जाते हैं, तो अभी हम भी जा रहे हैं, अभी चलते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पोरबंदर, और अभी सुबह सुबह मैंने कुछ खाया नहीं था, तो अभी यहाँ पर वेफर लिए तो अभी खा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह कुछ भी खाना चाहिए, फिर भले ना छोटा सा भी हो लेकिन कुछ खाना चाहिए, खाए बिना नहीं चलता, तो इसलिए अभी वेफर चल रही है। जब तक तो दोपहर हो जाएगी, उसके बाद फिर अपना दोपहर का खाना खा लेंगे। और आज हमारी कुलदेवी मतलब कि कांतली बाई और खोड़िया राय, उन दोनों का प्रागट्य दिन है आज, तो हम अपनी कुलदेवी के मंदिर पे जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी हमें मतलब कि चल के जा रहे थे, जो कि अपने खोड़िया माता जी के मंदिर पे जा रहे होंगे। और आज है अष्टमी, तो इस अष्टमी का महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ पर, और आपके यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अभी चल ही रहा होगा आज के दिन, क्योंकि हर जगह पे पहले त्योहार को अलग अलग बोलते हैं सबको, मतलब तो आपके यहाँ पर भी आज अष्टमी है, तो कुछ भी मतलब कि ऐसा अपना भगवान का होता ही होगा। तो अभी हम चल रहे हैं पोरबंदर सोमनाथ हाईवे पे, ये ऐसा यहाँ पर होता ही रहता है, कहीं से भी कोई भी मुड़ जाता है तो हमें देख के पूरा चलना पड़ता है हाईवे पे भी। जामनगर मांगरोड़ जाम खंभाड़िया तो ये है जान बारात खरबिया है हमारा है खरबिया है। डिटेल है तो अभी हम पहुंच गए हमारे पुराने गांव में कड़च, पहुंचने वाले हाँ मतलब कि पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, 2-3 किलोमीटर और है। अभी यहाँ से स्टार्ट होता है केड़ पंथक बोलते, इसमें बारिश के मौसम में ये जो अभी चने दिख रहे हैं आपको, चूंकि अभी पकने लगे ये पूरा पानी से भरा होता है, इसमें जब हम दिवाली पर आए थे तब यहाँ पानी था, शूटिंग लिया था और पानी था, और कई कई खेतों में लगा दिए थे, लेकिन अब सब पकने की तैयारी में है। तारा जो बोलते हैं छोड़ के मूल जो होते हैं जड़े वो सूख जाते बंद कर देती है और सूख जाता है चना, तो वो ज्यादा है इस बार, किसानों को इतनी मार कुदरत की तरफ से, और यहाँ पे एक ही फसल भी होती है पूरे साल में, सिर्फ एक ही फसल होती है जो दिवाली के बाद की होती है, वही फिर दिवाली तक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पानी खत्म हो जाता है और खारा पानी ज्यादा है, और ये नदियों के पानी से ही सब कुछ होता है।
हथियार ले लिए। तो ये है उपले, छाना जिसे हम बोलते हैं गाय के गोबर के, क्योंकि यहाँ नागाजन भाई ने सारी गायें ही रखी है, भैंस नहीं है एक भी। तो ये सारी गायें और बछड़ियाँ है वो नागाजन भाई ने रखी है, जो कि सारी घर की ही है। यहाँ पर ही छोटी बड़ी सभी का जन्म है। और एक गाय लंपी में उसकी भी चली गई। बहुत ही सुंदर है बछड़ियाँ और गायें। एक गाय और एक बछड़ी वाड़ी पर है, खेत पे, तो वहाँ भी हम जाएंगे। घोड़ी है, तीन बैल है, वो सब भी वहाँ पर है। और नागाजन भाई अभी दाढ़ी बनवा रहे थे, जो कि घर पे ही आते हैं। और पूरे साल का एक साथ ही वो जो पैसा लगता है वो देते हैं, चने देते हैं, उसमें ही सारा कुछ काम हो जाता है, दाढ़ी का, बाल का। तो अभी हम वाड़ी पर पहुंच गए हैं, सामने घोड़ी है और ये दो बैल है, एक बड़ा बैल है वो साइड में है। और ये घोड़ी को 32 ईयर हुए है, 32 साल की है, कोई छोटी बच्ची नहीं है। और बहुत ही अच्छी और शांत स्वभाव की है। अभी गाजर खा रहे हैं सभी गायें और बैल, बछड़ी, घोड़ी सभी। और अभी भी रनिंग चालू है ये घोड़ी, चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे बन रही है चाय, वाड़ी की चाय, देसी चूल्हे पे, बिना पानी की, सिर्फ और सिर्फ दूध ही है इसमें। मोनो आवे टोपड़ी जावे दरवो बहु मूंगो रम एक तो हाव झीणो होय कठोर होय राजे करो एक सफेद ही आवे ये तो हांबो है कि राजे करो है वाइटिंग है लीला सर्वा ओली कर फूल ए जो ओले मगाजर में हम थे हूं वाइटिंग में। तो ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है फूल जैसा, वो है राजेगरा, जिसकी हम रोटियां भी खाते हैं, उपवास होता है तब, और दूसरी कुछ भी आइटम बना के हम खाते हैं, वही ये है राजेगरा।
સચલું પાણી આમાં હાથે કાદામાં ધોરિયા જાવતા હોય ને હાવ ઊંડો થઈ તો આમાં દંગડી નીકળે એવું લાગે સડાય એને ખબર હોય ને ખેતર માં ગાદલી ઉતારે લે ઉડે ઉડે જાય નિકલ રહે ઓર યે નાગાજણ ભાઈ હૈ બડે ભાઈ કારણ કે બડે પપ્પા મોટો બાપ ગુજરાતી માં શામ તક રહે દોપહર કો આયે થે ઓર અભી હમે કામ બહોત જ્યાદા હૈ તો જાના હૈ અભી ટ્રેડિશનલ મે જો બહેનો કા રાસડા બોલતે હૈ હમ રાસ વો ચલ રહા હૈ હમ ગયે થે નાગાજણ ભાઈ કી વાડી પે यहाँ पे क्या घेड़ पंथक में सब गांव में ही रहते हैं वाड़ी पे खेत जहाँ रहता है वहाँ कोई नहीं रहता पानी ही रहता है 7-8 महीना और फसल के टाइम पे जाते हैं और चले आते हैं शाम को तो गांव में ही रहे और वाड़ी पे चक्कर लगाने गए थे वहाँ घोड़ी देखी घोड़ी का एक राउंड लगाया करण ने और अब हम चल रहे हैं करण को पढ़ाई चालू है एग्जाम तो उसकी तैयारी भी करनी है रात को तो अभी हम जा रहे हैं और फिर वापिस आएंगे वैशाख महीने में माता जी की कृपा रही तो अभी थोड़े महीनों में ही आएंगे हम आई आज करो नहीं करो પાણી હે છેક ફૂટ જાય હે 3-4 ફૂટ છે તો જો ને અર્થ તો ફુવારો અહીં દેખા તો બંધ થઈ જાય એ પછી જો ને આ કોઈ કામ છે બોલા
तो हम ये रेनगन लेने का सोच रहे थे और आज यहाँ चल रही थी तो हम देखने आए। खेत में तो अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि ये वार जैसा बना दिया है और झटका भी शुरू है। ये लाइट दिख रही है तो इसके अंदर जाने का जोखिम हम नहीं ले सकते, दूर से ही दर्शन कर लेते हैं।